दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। और दोस्तों यार आज की इस वीडियो के अंदर अपने यहाँ पे जो बात करने वाले हैं दोस्तों Paytm के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे जो कमेंट वगैरह आ चुके हैं कि सर हमें जो आप Paytm से जो है बैंक के अंदर मनी ट्रांसफ़र करने का जो है सिस्टम बता दीजिए। तो दोस्तों यार आज की जो ये वीडियो है सिर्फ इसी के ऊपर यहाँ पे जो है होने वाली है कि आपको जो है किस तरीके से अपने Paytm अकाउंट के अंदर से जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है मनी को ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जो है जानते हो कि आपका जो Paytm वॉलेट है वहाँ से अगर आप जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो मनी को ट्रांसफ़र करते हो तो इसके लिए आपको जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह यहाँ पे जो है करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको जो है बैंक अकाउंट वगैरह का जो है ऐड भी दोस्तों यहाँ पे करना पड़ता है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर इसके अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको जो है कम्प्लीट यहाँ पे जो जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो 2 मिनट के अंदर आप जो है अपने Paytm से अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों आप अपने Paytm के द्वारा जो है किसी भी बैंक के अंदर जो अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो और दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप जो है अपने पैसे को यहाँ पे जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके और दोस्तों एटीएम के द्वारा निकाल सकते हो या फिर उसे जो है मोबाइल बैंकिंग के द्वारा यहाँ पे जो है यूज भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अपने जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों जानकारी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे जो है कंप्लीट करना ओपन कर दिया है। और दोस्तों आपको जो है पेटीएम को यहाँ पे जो ओपन करने के बाद में जो सबसे पहला जो दोस्तों यहाँ पे आपको काम करना है वो ऊपरी ऊपरी की तरफ आपको जो है 3 डॉट यहाँ पे जो दिखाई दे रही होगी जहाँ पे मेरी प्रोफाइल लगी हुई है या पे जो है DP लगी हुई है। तो आपको जो है सिंपल तरीके से यहाँ पे जो 3 डॉट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों 3 डॉट के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे जो क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ आपको जो है डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है सिंपल तरीके से डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो अपना पहले ही एक जो है बैंक अकाउंट ऐड इसके अंदर कर रखा है फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों नीचे यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ऐड अनदर बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है ऐड अनदर बैंक अकाउंट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद में सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बैंक्स वगैरह है वो आपके सामने जो है यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इसमें से आप जो है SBI है, एक्सिस है या फिर HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, PNB जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे जो अपना SBI बैंक जैसे इसके अंदर जो है सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो एक मैसेज ऑटोमेटिकली जो है मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर चला जाता है और दोस्तों वहाँ से जो है एक OTP कोड वगैरह आ जाएगा जो कि मुझे इसके अंदर एंटर करना होगा। जैसे जो मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो यहाँ पे जो है दोस्तों अभी इसके अंदर ऐड हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे जो है इसके अंदर देख सकते हो। तो अभी जो मैं इसको एक बार यहाँ से जो है कट कर देता हूँ और अभी आपको जो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है Paytm वॉलेट से अपने बैंक के अंदर जो है मनी। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जो Paytm की होम पेज के ऊपर जो है आ चुका हूँ और आपको जो है सिंपल तरीके से यहाँ पे जो है बैलेंस एंड हिस्ट्री के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे जो मिनिमम या फिर जो मैक्सिमम आप जो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो मनी ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपके पास जो है 20 रुपये है 30 रुपये तो भी आप यहाँ से जो है ट्रांसफर कर सकते हो और अगर आपके पास जो है 5,000 या फिर 10,000 रुपये तो भी आप यहाँ से जो है ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों ही सिस्टम है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे जो अभी इसके अंदर 20 रुपये अवेलेबल है और मैंने यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है विड्रॉल वगैरह लगा दिया था तो इसीलिए जो है हाल फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है तो इसके अंदर मेरे पास अभी जो है 20 रुपीज़ अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कितने भी रुपए का यहाँ से विड्रॉल लगा सकते हो, आप जो अपने 20 रुपये को भी यहाँ से जो है बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप यहाँ से जो है 10,000 को भी जो अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे जो बैलेंस की बात, यहाँ पे आपके जो भी बैंक अकाउंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे जो शो हो जाएंगे। तो आपको जो सिंपल तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये जो दे रखा है Paytm वॉलेट इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो Paytm वॉलेट के ऊपर जो अभी क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप जो है क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ आपको जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे कि मेक ए पेमेंट, सेंड गिफ्ट वाउचर और सेंड मनी टू बैंक। तो मैं यहाँ पे जो इस पर जो है क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जो 20 रुपये थे तो मुझे यहाँ से जो 20 रुपये का विड्रॉल लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जो 2 रुपये अगर इसके अंदर सिलेक्ट करते हो तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको बोल देता है कि मिनिमम आपको जो है 20 रुपये का और मैक्सिमम आप जो है 25,000 रुपये तक का यहाँ से जो है विड्रॉल लगा सकते हो। 20 रुपये इसके अंदर अभी जो है सिलेक्ट कर दिए हैं और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे जो देख सकते हो कि आपको जो है 5% का भी यहाँ पे जो है चार्ज वगैरह देना पड़ सकता है। दोस्तों कई कई बार
यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री के अंदर 0% चार्ज भी आपको जो है देखने को मिल जाता है, और कई बार आपको जो है 5% का चार्ज मिल जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ से जो है इस मनी को जो है अभी सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरा बैंक अकाउंट है ये दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, और इसके अंदर मैं इस मनी को जैसे ही जो है सेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो बिल्कुल जीरो लगा है। अभी तक मेरे पास जो है कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगा है। तो मैं सिंपल तरीके से अपने 20 रुपये को यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हो कि 20 रुपीज़ इज मेरे यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है अपने पैसे को अपने पेटीएम से बैंक अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों यार मैंने आपको जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ यहाँ पे जो अच्छी तरीके से बता दी है कि किस तरीके से आपको जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऐड करना है। दोस्तों इसके अंदर एक सिस्टम और होता है कि अगर आपने जो है यहाँ पे दोस्तों अपनी फुल KYC जो है कम्प्लीट करवा दी है तो आप जो है 10,000 से यहाँ पे जो है ज़्यादा का ट्रांसफ़र जो है कर सकते हो, और अगर आपने जो अपनी मिनी KYC यहाँ पे अगर कंप्लीट कर ली है तो आप जो है 10,000 रुपये तक के यहाँ पे जो है पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बताइए यार दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।